हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हमारा मूड अभी फ्रेश हुआ है। अभी दोस्तों टाइम बज रहा है 12 और मैं आज भी दोस्तों 9 बजे से निकला हूँ फेरी पे। लेकिन आज मन नहीं लग रहा था फेरी करने के लिए, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना रहे थे। तो अभी स्टार्ट किया है 12 बजे। दोस्तों ऐसा होता है ना, 5 साल से मैं फेरी करता हूँ, फिर भी ऐसा हो जाता है मेरे साथ भी कि एक दिन भी बैठ जाता हूँ, काम पर नहीं जाता हूँ तो माइंड निगेटिव हो जाता है, मैं निगेटिव हो जाता हूँ खुद ही। इसकी वजह से अकाज किया, उसका अगला दिन काम करने का मन नहीं करता है। जब अच्छा खासा कुछ मोहनी भंटा अच्छा जब सेल हो जाता है कुछ अकाज करने के दूसरा दिन, तब मन लगने लगता है। तो अभी दोस्तों 12 बज रहा है, सेल अच्छा खासा हुआ है, 3 गाँव घूमा हूँ, लगभग 1100 के प्लस सेल हो चुका है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, घूमते हैं। अभी थोड़ा फ्रेश हुआ है, मन लगने लग रहा है फेरी करने के लिए, तो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो जो है ना दोस्तों, खुद को जो है बहुत पॉजिटिव रखना पड़ता है, बहुत ही सकारात्मक सोच रखना पड़ता है, तो काम में मन भी लगेगा और अच्छा सेल भी होगा, इनकम भी अच्छा होगा। नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, खुद को जैसे भी हो पॉजिटिव रखने की प्रयास करें। काम करने का मन नहीं कर रहा है तो काम करने में भी मन लगेगा, और अच्छे से जब काम करने का मन लगेगा, पॉजिटिव रहेंगे तो बात भी कस्टमर से अच्छे करेंगे, फिर सेल भी अच्छा होगा, अर्निंग भी अच्छा होगा, अच्छा दाम पर बेच भी पाएंगे। लेकिन जब वहीं पर निगेटिव रहेंगे तो कस्टमर से अच्छा से जब बात ही नहीं होगा तो सेल क्या होगा, और जब सेल ही नहीं हुआ तो इनकम कहाँ से होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ काम करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया हूँ, तो अभी दोस्तों चलते हैं, घूमते हैं। आज चलेंगे दोस्तों बिशुनपुर, रमनगरा, कुरियार, ये सब लोग घूमेंगे। तो घूमते हैं और देखते हैं आज शाम तक कितना का सेल होता है। तो दोस्तों टाइम अभी 6:30 हो रहा है और अभी मैं गाँव से निकला हूँ, रमनगरा से। आज पूरा दिन में 7 गांव फेरी किया है, 12 बजे के बाद लगभग 4 गांव फिर किया हूँ, रमनगरा, कुरियार, बिशुनपुर और गम्हरिया, 4 गांव फेरी किया है। अभी डेट डूब चुका है, अभी चलते दोस्तों से घर खिले। और सेल दोस्तों आज ठीक ठाक हुआ है, मस्त हुआ है। कितना का हुआ है दोस्तों गिनती नहीं किया। और दोस्तों बात आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं, बात यह है कि दोस्तों जब कस्टमर कोई सामान लेता है उससे पैसा जब छूटा देते लेते समय जो ना बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत हमारा सामान देखते हैं किस तरह का है, तो कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है इस तरह का कि पैसा जैसे कि 200 का या 500 का नोट को दिया और उसको छूटा देना है, तो छूटा देने के समय इतना बिजी हो जाते हैं कि कपड़ा की तरफ ध्यान भी देना होता है और छूटा देना है कस्टमर का, तो उधर भी ध्यान देना होता है। इसकी वजह से जो है ना वो 500 का या 200 का जो नोट छुट्टा कराना चाह रहा है तो वो जो है ना दिया है कि नहीं दिया है वो ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि छुट्टा हम दे देते हैं और नोट लेना भूल जाते हैं, तो इससे बचने के लिए जब पैसा लेन देन करते हैं तो पूरा ध्यान जो है ना पैसा के लेन देन के समय होना चाहिए, और उससे पहले जो है ना नोट ले लें फिर उसके बाद छुट्टा दें। नहीं तो कभी कभी कितना बार मुझे ऐसा हुआ है कि मैं छुट्टा उसको दे दिया हूँ और उससे नोट लेना भूल गया, इसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। इसलिए दोस्तों पैसा लेते देते समय अच्छे से संभाल करके और ध्यान से देना चाहिए। दोस्तों अभी टाइम 7:15 हो रहा है और अभी माल उतार करके आ गया इस रूम में। अभी दोस्तों मुझे थोड़ा सा माइंड हो जाए ना, एक्सपीरियंस यानी कि माइंड रीडिंग कह सकते हैं, तो उसको करना है और ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है कि हमको आज कितना का सेल हुआ है टोटल, कहीं भुला तो नहीं गया। पहले तो कितना का सेल हुआ है वो मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, उसके बाद में कितना इनकम हुआ है वो मेडिटेशन करेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं मेडिटेशन करके, फिर मिलते हैं। मान लिया दोस्तों हमने अभी मेडिटेशन कर लिया, ध्यान कर लिया, सेल आज दोस्तों 3,750 का सेल हुआ है, तो सेल दोस्तों आज ठीक हुआ है। अभी तो अभी लाइट कटा हुआ है, तो अभी आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से कल सुबह न्यू वीडियो के साथ, हम भी लेना है। बाय बाय, गुड नाइट।